आईएमआईएम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट और कल्याण कर्नाटक के इंचार्ज अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ की लीडरशिप में आज बंजारा समाज, पुजारी समाज, एससी समाज के लोगों ने एआईएमआईएम पार्टी को ज्वाइन कर आने वाले असेंबली इलेक्शन में चितापुर तालुका से पार्टी को जीता कर लाने का वादा किया। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने बताया कि समाज के लोगों ने नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के सिद्धांत को देखकर एआईएमआईएम में शामिल हुए। ये सभी समाज के लोगों ने इस बात का दावा किया कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में एक नया इतिहास चितापुर तालुका में बनाएंगे और मजलिस की जीत हासिल करेंगे और साथ ही कहा कि असदुद्दीन अवैसी मजलूमों की आवाज है जो हमेशा से पार्लियामेंट में हक के लिए आगे रहते हैं और सभी समाज के लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं और उनके हक के लिए लड़ते हैं। ये ज्वाइनिंग रखी गई थी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिस मुस्लिम चौक पर। एआईएमआईएम में ज्वाइन होने वाले सबसे पहले चितापुर के एआईएमआईएम के एस्पिरेंट जैन सिंह राठौड़ हैं और उनके नेतृत्व में ज्वाइन हुए हैं विजय पवार वाड़ी, लालू राजू बंकूर, देव सिंह राठौड़ महानगर, गुरुनाथ वाड़ा, रामचंद्र पवार वाड़ा सेवानगर, मोहन चौहान वाड़ा, योगेश चौहान वाड़ा, मरियप्पा बंकूर, साहिल महानगर, निखिल महानगर, जगदेवी महानगर, सुनीता महानगर, नथु बंकूर वाड़ा सेवानगर, किशन चौहान, सिद्धू पुजारी कलबुर्ति, अशोक पुजारी कलबुर्ति, लिंगप्पा बंकूर, अभिजीत महानगर। इन सभी की ज्वाइनिंग पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि एआईएमआईएम सभी समाज के लोगों को लेकर चलती है और उनके हक के लिए लड़ती है। अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के सिद्धांत को देखकर हमारे राठौड़ साहब हमारी पार्टी में शमूलियत लिए, हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं तमाम लोगों का पार्टी के अंदर और उम्मीद करते हैं कि चितापुर के अंदर ये नई तारीख रकम करेंगे इंशाल्लाह और आने वाले जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन के अंदर इनो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डंका बजाएंगे, झंडा गाड़ेंगे, ये हमें उम्मीद है। इन तमाम कम्युनिटी से यही उम्मीद है कि जो आज पार्लियामेंट के अंदर बेबाक बोलने वाली आवाज़ नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, हर वो कम्युनिटी के हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाले, हर वो कम्युनिटी के आवाज़ को उठाने वाले पार्लियामेंट के अंदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। इसीलिए हम आप तमाम से भी गुजारिश कर रहे हैं कि उनके हाथ मजबूत कीजिए। आज देश को बचाने वाले, देश के संविधान को बचाने वाले वाहिद कायद एक ही हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। ऑल इंडिया प्रेसिडेंट एएमके हमारे ओवैसी साहब और हमारे जिला अध्यक्ष रहीम सेठ मिर्चीवाले साहब उनके नेतृत्व में आज मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ के मैं आज एआईएमआईएम पक्ष में ज्वाइन हो रहा हूँ। ज्वाइन होने का रीजन आज कांग्रेस पक्ष में वहाँ पर कोई भी अच्छी तरह से ये नहीं है, उसके लिए आज साहब का जो उनका ऑल कम्युनिटी लोगों को लेके उन्होंने जो चल रहे उनका ये देख के साहब का और हाथ मजबूत करना बोल के आज हमारे कम्युनिटी से और ऑल कम्युनिटी के लोग हमारे साथ में आए हुए उनको लेके आज मैं पार्टी में ज्वाइन हो रहा हूँ। ज्वाइन हो के साहब का जो डायरेक्शन रहता, उन जो मार्गदर्शन हमारे देते, वो मार्गदर्शन से हम चलते हैं और साहब का और ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मजबूत करना बोल के हम पार्टी में ज्वाइन हो गए। ऑलरेडी हम ग्राम पंचायत चुनाव लड़े सो है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष बना हूँ, तालुक पंचायत पेट सुरूर से तालुक पंचायत सदस्य बना हूँ। हमारे को राजकीय के बारे में कोई कमी नहीं है, उसके लिए साहब का जो आल कम्युनिटी को लेके उन्होंने चल रहे वो देख के आज साहब का हाथ मजबूत करना बोल के मैं पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ। हमारे साथ में आज हमारे वाड़ी से हमारे पवार और हमारे चौहान और दूसरे हमारे क्या है मल्लप्पा वाड़ा जी, हमारे यूनो गुरुनाथ, हमारे रामचंद्र, सिद्धू पुजारी, ऑल कम्युनिटी के लोग हमारे साथ में हैं, आके आज पार्टी में हम ज्वाइन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुलबर्गा टाइम्स। फॉर डेली अपडेट सब्सक्राइब अवर चैनल।